प्रदेश में भू माफियाओं पर लगातार योगी का शिकंजा कसता रहा है। कहीं बुलडोजर कार्रवाई हुई तो कहीं प्रशासन ने डुगडुगी बजाकर भू माफियाओं की कमर तोड़ दी। लेकिन ऐसा मामला सामने आया जिसमें पुलिस प्रशासन कार्रवाई की जगह भू माफिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूपी के सीतापुर जनपद की, जहां भू माफिया पप्पू जायसवाल ने श्यामनाथ मिर दही टोला टाटा टावर के पीछे अवैध कब्जे के नियत से जबरदस्ती मिट्टी पाट दी, जिसकी पीड़िता नूर जहां ने थाने में शिकायत की। लेकिन भू माफिया की तूती के आगे पुलिस प्रशासन भी लाचार दिखा, जिसके बाद पीड़ित नूर जहां ने मुख्यमंत्री पोर्टल IGRS पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद लेखपाल ने अपनी आंखियां लगाई और कहा कि नूरजहां कोतवाली जाकर अपनी मुकदमा दर्ज करवा सकती है। जिसके बाद नूरजहां ने तत्काल कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी, लेकिन उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही अवैध हो रही प्लॉटिंग का काम रोका गया। पीछे उसके संदीप जायसवाल, उनके पप्पू, शकील, दो चार अज्ञात लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं। सड़क मिट्टी बहुत 500 ट्राली डलवाई और ट्राली चलवाई और उसमें प्लाट काट लिए, सड़कें बना ली, मकान बना लिए और ये भूम माफिया है। उस पे जो है मतलब जबरदस्ती एक घर भी बना रहे, हम लोग दौड़ते रहे, बराबर जो है फोटोग्राफी करते रहे और फिर भी और एप्लीकेशन जो है डीएम साहब को और एसपी साहब को बराबर एप्लीकेशन हम इधर देते रहे। 3 महीने से हम लोग दौड़ रहे, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो और ये जो है मकान जो बनाया गया इस पर बिल्डोजर चलवा दिया जाए और हम जो हमारी हमारे परिवार को जान का खतरा है इससे। और हम चाहते हैं योगी सरकार हो सीएम सर कि जो हमें जो है इंसाफ मिला। और आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लेने पर पीड़ित नूरजहां ने एक बार फिर न्याय की उम्मीद में जिला अधिकारी सीतापुर और पुलिस अधीक्षक सीतापुर को एप्लीकेशन दिया, लेकिन भू माफिया के रुतबे और पैसों के आगे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अब इस पूरे मामले पर किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू का कहना है कि यदि पीड़ित की ओर से दी गई तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो संगठन आंदोलन होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सब जानते हो कि इतना सख्त शासन है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कि कोई किसी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, पर पप्पू जायसवाल पर क्यों सीतापुर शासन प्रशासन मेहरबान है? क्या उनके पैसों में इतनी ताकत है कि किसी भी गरीब की जमीन पर वो कब्जा कर लेंगे? और पहले भी इन पे इल्जाम है ऐसे, क्योंकि लोग कहते हैं कि आज से 15 साल पहले ये सब्जी वगैरह ऐसा कुछ छोटा मोटा धंधा किया करते थे, आज अरबों की संपत्ति बन गई इनकी, मतलब दबंग टाइप के हो गए हैं और दबंग है, इनको अपनी जान का भी खतरा ये कह रहे हैं। लेकिन हमारा निवेदन है सीतापुर के जिला अधिकारी से, हमारा निवेदन है पुलिस अधीक्षक महोदय से, और हमें कहना और बताना चाहते हैं कि इन्होंने सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की है, इन्होंने जिलाधिकारी के यहाँ भी शिकायत की है, इन्होंने पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी शिकायत की है। मिट्टी की ट्रालियों का ये, ट्रैक्टरों का ये वीडियो है, 112 नंबर वहाँ आई थी जिसकी फोटो है, सारी कुछ सूचना होने के बाद भी पुलिस ने किसी भी ट्रैक्टर ट्राली को सीज नहीं किया। क्या वजह रही? रात में 2 बजे पकड़ी, फिर क्यों छोड़ दी? उसके बाद भी प्लॉटिंग हो रही है, वहां पर घर बन रहे हैं तो उस पर रोक क्यों नहीं लग रही? इनका मामला इन्होंने कोर्ट में भी डाला है स्टे के लिए, लेकिन उससे पहले जब इनका हिस्सा है वहां, तो अगर एप्लीकेशन है तो क्यों नहीं मुकदमा लिखा जा रहा जो इनकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ, और वहां पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? ये सवाल है हमारा सीतापुर शासन प्रशासन से, और पुलिस पर गंभीर आरोप है। पुलिस को अगर इन आरोपों से बचना है तो जो कार्रवाई है वो करनी होगी, ये हमारा निवेदन है। अगर इनकी दी गई एप्लीकेशन पर कार्रवाई नहीं होती है तो जल्द ही किसान मोर्चा आंदोलन करेगा ये सारे साक्ष्यों के साथ। और ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।